बहुत तो बढ़िया प्रसंग सुनाया सरवर नीर का। हेलो, और ऐसा ही प्रसंग मैं आपके सामने सुनाऊंगा। हेलो, और सज्जनों मेरे प्रसंग में मिलेगा आपको कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में कैसे संत हुआ करते थे और इस कलयुग में कैसे संत हैं। हेलो हेलो बंधुओं, इस कलयुग में आकर इंसान इतना खुदगर्ज बन गया। अब से पहले सतयुग त्रेता द्वापर युग में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजपाट का बंटवारा, भाई भाई का बंटवारा, लेकिन इस कलयुग में आकर इंसान इतना खुदगर्ज बन गया उस ऊपर वाले को भी नहीं बख्शा, आजकल लोग उसको बांटने लग गए। और भगवान को कैसे लोग बांटने लग गए? कैसे बांटते हैं भैया? कैसे बांटते मेरे भैया? अरे बाबा, कलयुग आ गयो, घोर के कितना बदल गया इंसान। कैसे? ये स्वार्थ काज या दुनिया ने बांट लिया भगवान। ये हो, और भगवान को भी कैसे बांटा है बता मेरे भैया। ये परशुराम को बामण पूजे, उग्रसेन को बनिया, और बैरोजी को जोगी पूजे, नाथ हलावे कणिया। अरे मुसलमान अल्लाह को पूजे, ठाकर करनी माता। कैसे? और ज्योतिषवा फूले की माली, घर घर गाते गाथा। अरे संत कबीरा कोड़ी माने, संत कबीरा कोड़ी माने, नारायणी को नाई या जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। अब मेड़ा देवे डंडो तीबा मीनेश्वर भगवान को, और गुजर बाबा ले भाग्या देखो तो देवना राण को। अब दोई जात टोटा में रह गई देखे वेद पुराण, अरे जाट और प्रजापत विन को नहीं पायो भगवान। या धरती पे ऐसी दो जाती है जिनका पर्सनल देवता नहीं है, उन्हें दुनिया ने राम जी का टूक कर लिया। अरे नरक सरक सब धरती पे, संसार भर में गो बातन में। कैसे कैसे मेरे भैया? या नरक सरक सब धरती पे, संसार भर में गो बातन में, ओ कुड़सा के लाकू जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरक सब धरती पे, संसार भर में गो बातन में, कुड़सा के लाकू जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरक सब धरती पे, संसार भर में गो बातन में, कुड़सा के लाकू जावे गो चाबी हाथन में। सजनो, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग, और वो है संत की महिमा कि अब से पहले सतयुग त्रेता द्वापर युग में कैसे संत हुआ करते थे और इस कलयुग में कैसे संत हैं। सज्जनों, मणिपुर में राजा मुकंद राज किया करते थे, और राजा मुकंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। बंधुओं, राजा के सात कन्याएं थी और उन सातों कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था। राजा का चौथापन आ गया, यानी वृद्ध अवस्था में ढलने लग गए। सज्जनों, पुत्र के वियोग में रानी शशिकला उदास रहने लगी। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अरे सज्जनों, धीरे धीरे चौथापन आ गया, वृद्ध अवस्था में ढलने लग गए। तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी, महाराज हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन महाराज हमारे जाने के बाद में तुम्हारे इस राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, तुम्हारे इस धनधाम का मालिक और कोई बन जाएगा, लेकिन महाराज जो हमारी सात कन्याएं हैं, इन कन्याओं को संसार में गले से लगाने वाला कौन होगा। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर और रानी शशिकला रोने लग जाती है, और रोने लग जाती है तो राजा मुकंद रानी को संतुष्टि बनाने लगे, धीरज बनाने लगे, क्या कहने लगे हैं? कैसे कहते मेरे भैया? हारे पेण धीरज धर ले, मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे कैसे?
तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे ओ बेटा को दिखे अलवेली रे किस्मत तेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेली रे किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेली रे किस्मत तेरी में। अब सुनो सबा दे ध्यान ज्ञान मन गुरु चरणन से लियो। और सुमर सरस्वत मात ध्यान बजरंग बली को कियो। अब था एक मन पुर धाम लगा कर ध्यान सुनो मम बानी। राजा के कन्या सात पुत्र बिन सुनी है रज रानी। वो रानी सोच करे दिन रात ओ डोला सुनो हमारी बात। के मारो हियो हिलोड़ा खावे या मनपुर की गादी बेटा बिन कतई तड़ा को जावे। वो दिन रात नींद नहीं आवे उड़ उड़ महल अतारी खावे। डोला सुन ले बात हमारी और बिना चांद के अरे अंधेरी रात नहीं यारी। बुढ़ापा को ख्याल जरा कर लीजो ओ डोला तू तो ध्यान बात पे दीजो। जैसे जल बिन मीन दुख्यारी और ऐसे ही बेटा बिनिया जग में सुनी है महतारी। तो या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ो सोचेत। पछताए कहीं होए दोस जब चिड़िया चुग जाए थे। आज रानी शशिकला कहने लगी या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ो सो चेत। और पछताए कहीं होएगो जब चिड़िया चुग जाए खेत। अरे सज्जनो ऐसी बात को सुनकर आज राजा मुकंद रानी से कहने लगा रानी इस बात का समस्या का समाधान हमारे पास में नहीं है। अरे हमारे गुरु हैं उनके पास में चलना चाहिए। सज्जनो राजा के कुल गुरु थे जिनका नाम था संत अरुणदास। जैसे ही सुबह होता है राजा रानी अपने महल से और जंगल का रास्ता लेते हैं संत अरुणदास की कुटिया पर आ जाते हैं। आकर चरणों में दंडवत करते हैं और कहने लगे बाबा इस बात का तुम्हें पता है हमें पता है अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ। अरे महाराज और बिना पुत्र के मनपुर की गादी निर्वंश जा रही है। ऐसी बात को सुनकर आज संत अरुणदास राजा रानी की हस्तरेखा देखने लगे और कहने लगे राजन अब क्या तुम्हारे सात जन्मों तक पुत्र होने का योग्य नहीं है। ऐसी बात को आज रानी शशिकला कुटिया पर बिलखने लग गई रोने लग गई। कहने लगी बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिले वरना हम तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। अरे ऐसी बात को सुनकर सज्जनों संत अरुणदास को दया आ गई। संत सुजान होते हैं दयावान होते हैं। कहने लगे राजन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बिना पुत्र तो 15 साल कोई ठीक है। ऐसे वरदान को लेकर अरे राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद में होता क्या है सज्जनों क्या होता भैया। अरे अरे भूप को वचन गुरु ने दियो नारक करब पेट में रियो। के राजी हो रहे राजा रानी किस्मत घना दुनिया में जागी। के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो या राज पाठ को रखवालो अब के तेरे हो जाएगो। ठीक जब नगरी में पड़ जावे वो दुनिया घर घर में बतलावे है ईश्वर के लंबे हाथ। वो राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी बात। तो भाई छा रही खुशी अपार तरफ भर राजा ने दियो। कैसे माँ चुड़ के घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। तो
अरे छाराई खुशी अपार द्रव भर राजा ने दियो और मां जुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। संत अरुणदास की कृपा से राजा के एक पुत्र का जन्म हो गया और सज्जनों पुत्र का जन्म हुआ तो राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं, एक नंदन धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुणावस्था में आ गया। एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी, महाराज इस बात का तुम्हें पता है, हमें पता है, हमारा पुत्र 15 साल के बाद हमको छोड़कर चला जाएगा। अरे महाराज हमें ऐसा करना चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए, इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता हमारे भाग्य में तो पुत्र है नहीं लेकिन इसके कोई पुत्र हो जाएगा तो उसके सहारे हम अपना जीवन निकाल लेंगे। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों राजा के भी बात जच गई और एक भद्रा नाम की कन्या से नंदन की सगाई करते हैं। होता क्या है भैया, हरे एक दिन महलन के दरम्यान वो रानी करवा लगी बखान, हो पिया बात समझ आवे तुम करो पुत्र को ब्याह, बलम या की उम्र बीती जावे। बात राजा के उजच गई भाई, करी नंदन की तुरंत सगाई, कर लियो ब्याह पाल लिए फेरा और कछु दिना के बाद भूप जब कर कर रोवे हेरा। फुलाड़ी हो गई आती जाती, थोड़े कर्म लगे नहीं पाती, बोटिया के संग करी गद्दारी और बाकी सासु ससुरे बेरी हो गए कर दई रांड बिचारी। तो या समय निकड़ तो जाए बोटिया को नहीं कोई ठीक, धीरे धीरे अरे कमर को काले आए नजदीक, हो धीरे धीरे मधरों में लाके दे दी मैं, ओ बेटा को देखे अल तेरे किस्मत तेरे मैं, धीरे धीरे मधरों में लाके दे दी मैं, ओ बेटा को देखे अल तेरे किस्मत तेरे मैं। या समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं कोई ठीक और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नज ठीक। आज सज्जनों एक नंदन की उम्र पूरी होने जा रही है, सिर्फ एक रात बाकी है। आज राजा रानी महल में बिलाप करने लगे, पश्चाताप करने लगे और राजा रानी से कहने लगा, रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को शामिल और कर लिया, हम तो हमारी जिंदगी जीकर चले जाएंगे लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी, अरे जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है। आज सज्जनों ऐसी बात को सुनकर रानी शशिकला रोने लग जाती है और रोने लग जाती है तो राजा मुकंद रानी को संतुष्टि बताने लगे, क्या कहने लगे हैं, क्या कहते मेरे भैया, अरे पूरे हो गए 15 साल कमर को नीड़े आगो काल, ओ रानी मन ही मन घबरावे, बन रोटी पानी दिए त्याग महल में भारो रुदन मचावे, तो राजा रानी को समझावे वो प्यारी मत आंसू बरसावे, है ये दो दो दिन का मेला, अरे जन्म लियो जे कुमरनो प्यारी जावे हंस अकेला, कोई को कोई नहीं साथी, वो दुनिया रहती आती जाती, मतिया माया में बरमावे, जे लिखी हमारे भाग्य कर्म में मेट कोई नहीं भावे। तो भाई हो यो सुबे पर बात गजब को टूट पड़ो गोला, कैसे बाकी उम्र पूरी हुई है पोत को छोड़ेगा यो चोला, हुयो सुबह परिभात गजब को टूट पड़े गोला और बाकी उम्र पूरी हुई पुत्र को छोड़ गयो झोला। आज सज्जनो एक नंदन की उम्र पूरी होती है, एक नंदन खत्म हो जाते हैं। अरे महल में राजा रानी बिलाप करने लगे, इधर जब भद्रा को पता चला कि आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो सज्जनों ये मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन दुख दे जाते हैं जीने वालों को, ना तो उनकी याद में ये मर ही पाते हैं ना जी पाते हैं। आज सबसे बड़ा दुख हुआ तो एक नंदन की घरवाली को, उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी, उससे पहले उसका स्वाद उजड़ गया। आज सज्जनों अपने सासू के पास में आ जाती है,
गले से लिपट जाती है और रोती रोती अपनी सासू से क्या कहने लगी है आज भद्रा, कैसे कहती है मेरे भैया, हो सासू तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, कैसे कैसे, ओ सासू जी तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, जाती जाती में यातन को चूड़ो फोड़ो रे, सासू तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, ये आती जाती में यातन को चूड़ो फोड़ो रे, सासू जी जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, ये आती जाती में यातन को चूड़ो फोड़ो रे। सज्जन अपने सासू के गले से लिपट गई सासू, अरे पिन पिया के संसार में मैं जी कर क्या करूंगी, अरे सज्जनों अपने सासू के गले से लपट गई अपने पिया की लाश को गोद में उठा लेती है, अरे छाती से लगा लेती है और रोती रोती अपनी सासू से क्या कहने लगी है आज भद्रा, क्या कहती है मेरे भैया, अरे पिया ने मोसे बदलारी फाड़ो, कैसे, अपने सासू के गले से लिपट गई और कहने लगी सासू अब मैं अपने पिया के बिना संसार में क्या करूंगी, क्या कहने लगी है, कैसे कहती भैया, अरे पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो, कैसे तोरी बहादुर दिल में पिया, पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो, नंदन की लाश के ऊपर सारे घरवाले रोदन करने लगे, इधर सज्जनों नगर में पता चल गया कि आज राजा का इकलौता पुत्र मारा गया, तो सज्जनों सारे नगर में हाहाकार मच गया, इधर संत रविदास को भी पता चल गया कि राजा के लिए जो मैंने 15 वर्ष के लिए पुत्र दिया था वरदान में आज वो खत्म हो गया, तो सज्जनों संत रविदास भी महल में आ जाते हैं और सज्जनों जैसे ही संत रविदास महल में आए सारे घर वाले देखकर रोने लग गए और रोने लग गए संत रविदास के चरणों में गिर गए, कहने लगे बाबा चाह हम सब घर कान को मार ले
लेकिन हमारे छोरा को जिंदो कर दे। आज संत अरुणदास राजा मुकंद को समझाने लगे, हंसकर कहने लगे, अरे राजन तुम्हें सारा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान मत बनो। अरे भगवान ने सृष्टि को रचाया था, परमात्मा ने सृष्टि को रचाया था, सब कुछ इंसान के लिए दे दिया, कुछ चीज अपने पास में रख ली। रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है कि जब राजा दशरथ की पार्थिव देह पड़ी हुई थी, भरत जी प्रलाप कर रहे थे और भरत जी अपने गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण मेरे पिताजी पुनः जीवित हो जाए। तो यहाँ भरत जी को गुरुजी ने समझाया है एक चौपाई के माध्यम से कि सुनई भरत भावई प्रबल और बलक कहे मुनिनाथ, ये हान लाभ जीवन मरण जसी अपजस विदे। ये छह चीज तो भगवान ने अपने पास में रखी है, इसमें किसी का कोई पेच नहीं जा सकता। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर सारे घर वाले कतार लेकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा या तो हमारे पुत्र को जिंदा कीजिए वरना हम भी इस दुनिया में नहीं जीना चाहते। ऐसे प्यार को देखकर संत अरुणदास कहने लगे, भाई इस समस्या का एक समाधान कहे कि कौन सा, कि एक कटोरा लो और उस कटोरे में 1/4 किलो गाय का दूध लेकर आओ। सज्जनों रानी शशिकला भागती हुई महल में जाती है और एक कटोरा में 1/4 किलो गाय का दूध लेकर आती है। संत अरुणदास अपने भक्ति के बल से उस दूध का मंथन करते हैं और उस दूध को वरदान देते हैं कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो तो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और उस जाने वाले की उम्र इस बच्चे को लगेगी तुरंत जीवित हो जाएगा। ऐसी बात को सुनकर सारे घर वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन होता क्या है, क्या होता है मेरे भैया, हर लियो कटोरा मंगा ऋषि ने मथन दूध को कियो, ओ भक्ति के बल से अरे मुनि ने वरदान दूध को दियो, कैया तू पीवे जे मर जावे, ओ बाकी उम्र लगे लाल में झट जिंदो हो जावे। सुनो या स्वार्थ को संसार पड़े बे सब घर के लाचार, ओ बाबा चालो तेरे बुलावे और आंगन में बैठा रोए मुनि के पास कतई को आवे। सज्जनों संत अरुणदास आवाज देने लगे, भाई इस क्रंदन को कोई चाहने वाला हो आकर इस दूध को पिए। लेकिन सज्जनों बाबा आवाज देने लगे, सब घर कान ने कानन पे ठीपरी धल्ली और आवाज को दबाने के लिए जोर जोर से रोने लगे। तो संत अरुणदास समझ गए वार स्वार्थी संसार। कुछ देर पहले सारे घर वाले कटार लेकर खड़े थे, लेकिन सोचने लगे संतान की तरफ सबसे ज्यादा ममता होती है माँ की, आज मुझे सबसे पहले इसकी मैया के पास में चलना चाहिए। क्या जवाब मिलता है, क्या मिलता है मेरे भैया, अरे मुनि ने उठा कटोरा लियो बा मैया के पास चल दियो, ओ बाबा बोले मीठी बाणी और तार छोरो जिंदो हो ये दूध को पीजा मारी जानी, ओ मैया ठाडी आंख निकाले या बाबा जी बदला फाड़े, अरे महात्मा ने आछी अटकाई, अरे महात्मा ने आछी अटकाई और नीची नीची पड़े मात ने कर दई साफ मनाई। आज सज्जनो मैया बिल्कुल मना कर देती है, रानी तो मर वासु डर पे और देख कटोरा दूध कूर बा उलट ही पामन सर गए, या बेटा कई ध्यान करेगो वो या सुमेरो काई काम पड़ेगो, लिखी जन काई बात मेरा में और ना चाहिए मुझे लाल गुरुजी पटक आय जे रामे। तो मैया ने साफ मना कर दिए, मुनि को जब हंसी तो आ गई है, कटोरा ले ये बाप ढिंग आयो और तू पी जाया दूध, मुनि ने ऐसे बचन सुनायो, टोकरा उठा दो मुंड खुजाड़े या बाबा जी बदला फाड़े, अरे महात्मा ने आछी अटकाई और नीचो नीचो पड़े पिता नो कर दई साफ मनाई। तो भाई ना मैया ना बाप जगत का झूठा सब जंजाले कैसे, अरे बाबा कोई को कोई कछु नहीं लगे सटा तो या तो स्वार्थ को संसार हो तो तेरा जाया के बसी ने ओनो बोलो रे तो आते साथी ने आसन को छोड़ो बोलो रे साथ से जाया ने बसी ने ओनो बोलो रे तो आते साथी ने आसन को छोड़ो बोलो। सज्जनों मैया बाप दोनों मना कर देते हैं, तो संत अरुणदास आज
देखने लगे कि एक नंदन की घरवाड़ी ट्याड़ा ही नखरा कर कर रो रही। संत अरुणदास ले कटोरा कुरपा के पास में पहुंच गो, बेटी रोवा सुखाई काम कौन चले, दूध पूपी थारो पति जिंदो होएगो। क्या कहने लगे, क्या समझाने लगे हैं? कैसे समझाते मेरे भैया? हरे छोरा की बनारस और कहे मुनि समझाए, ए बेटी पी जा दूध कूस तेरो पति जिंदो हो जाए। घरवाड़ी खेवा लगी, बाबा या बता छोरा का डोगा डोके न काई की के बेटी उनने तो मना कर दी, तो मना कर दी तो मैं तो पहले तीन नातान को बचा रही हूं, मारो कहीं लगे कहीं केवा लगी कहीं खेरी मेरे भैया। अरे कोने बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो, हरे कौन बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो, रे बन तोरे दे पाती कर फोड़ो रे दोसे साथ को भाई रे दोसे साथ को सुनो। कौन बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो, रे बन तोरे दे पाती कर फोड़ो रे दोसे साथ को भाई रे दोसे साथ को सुनो। आंगन में दे हाथर चूड़ो फोड़ दियो बाबा, मोकुया पति की कतई जरूरत कौन, मैं दूध कौन पियो। आज सजनो संत अरुणदास भाषा पलटकर अरे भद्रा को समझाने लगे, बेटी अपने पति के खातर मरेगी, इस दुनिया में तेरा नाम अमर होगा। लेकिन सजनो भद्रा भाषा पलटकर दोबारा बाबा को क्या जवाब देने लगी है? क्या देती है मेरे भैया? अरे को पियो बाबा दूध जन्म तक लग जा चाय काड़ो भाई, अरे को पियो बाबा दूध जन्म तक लग जा चाय काड़ो, रे तड़के में पीहर को जाऊंगी, निर्भय बैठी मौज उठाऊंगी, छोरा देखू मारो सट्टा, कोई 20 बरस को पट्टा पड़ाऊंगी बाल बाओ भाई रे बड़ा बाल बाओ। को पियो बाबा दूध जन्म तक लग जा चाय काड़ो, रे तड़के में पीहर को जाऊंगी, निर्भय बैठी मौज उठाऊंगी, छोरा बाबा मैं तो कोई दूसरा छोरो देख लूंगी, मैं या दूध है। आज सज्जनों घरवाली भी मना कर देती है। संत अरुणदास सातों बहनों की तरफ नजर घुमाकर देखने लगे, लेकिन सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। आज बंधुओं वहां खड़ी हुई दुनिया को संत अरुणदास उपदेश देने लग गए, कहने लगे प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपनी आंखों के सामने देखो संसार में किसी का कोई है क्या। अरे सज्जनों वहां खड़ी हुई दुनिया को उपदेश देने लगे संत अरुणदास, क्या कहने लगे हैं आज? कैसे कहते मेरे भैया? आपके सामने स्टेज पर टकोलिया साहब बता रहे हैं। तो सज्जनों इधर संत अरुणदास मां खड़ी हुई दुनिया को उपदेश देने लग गए, कहने लगे प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपनी आंखों के सामने देखो संसार में किसी का कोई है ही नहीं। और सज्जनों संत अरुणदास मां खड़ी हुई दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्या देते हैं मेरे भैया? अरे रे रे या तो ले स्वारा ते को संसार धनी तो नहीं कोई, कैसे तेरे मतलब की रे दुनिया तो तेरे सारा ती रे दुनिया तो याद रे पीछे ढोले तेरे संसार धनी नहीं कोई और मतलब की दुनिया आगे पीछे डोले रे। और क्या कहने लगे हैं? कैसे कहते मेरे भैया? अरे बोलो जेलो रे 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 ओले ओले रे 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 मत लाला की हो लगे हैं।
भैया संत अरदास। कैसे कहते मेरे भैया? हर बनी बनी को सभी बनी है सही बात आए मानो को सभी दड़ी है सही बात या मानो और बिगड़ जाए जब बात के ठोकर देकर चले जमानो। अरे ना काका ना पापा मम्मी काम कोई नहीं आवे बुरे समय पे ये तन के कपड़ा भी बेरी हो जावे तो मुट्ठी बांधे आता है क्यों हाथ पसारे जाता है और जिस दिन इस दुनिया से विदा लेकर जाएगा उस दिन क्या होगा कि एक दिन या तेरे रोएगा कुटुंब और दो दिन भाभी भैया पर तीन दिन या तेरे रोएगी लुगाई पर बारह दिन तेरी मैया। मैं तो भरमा भैया दुनिया के झूठे रिश्ते नाते और है ये जीवन चक्र जगत में रहते आते जाते। आज सज्जनों संत अरुणदास सारी दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, कहने लगे जो लास्ट में तुझे तीन आवाज दी जाती है वो भी किसी स्वार्थ के लिए दी जाती है। क्या कहने लगे हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ये स्वार्थ को संसार जगत में दो दिन का मेला और स्वार्थ का जई जार देंगे तो मारे घाट में हेला आज सज्जनों संत अरुणदास मां ऐसे उपदेश दे रहे हैं और सज्जनों एकदम से संत अरुणदास के कानों में रोने की आवाज आती है। सोचने लगे स्वार्थी संसार में ऐसा कौन है जो अभी रो रहा है। देखा तो सज्जनों एक नंदन की सात में नंबर की सबसे छोटी बहन इस दृश्य को देखकर रो रही है कि मेरे भाई के लिए जीवन दान देने के लिए दूध किसी ने नहीं पिया, आज इस दूध को मैं पीकर मरती हूँ और मेरे मरने से अगर मेरा भाई जीवित होता है तो मेरे इस जीवन में इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। सज्जनों आज वो कन्या इस बात को सोचती सोचती रोने लग गई। संत अरुणदास कहने लगा रे बेटी झूठे आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, नीचे आओ दूध पियो तुम्हारा भाई जीवित होगा। आज सज्जनों वो कन्या मन में सोचने लगी अगर मेरे मरने से मेरा भाई जीवित होता है तो मेरे माँ बापों को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। अरे मेरी और छह बहन है उनके लिए भाई मिल जाएगा, मेरी भौजाई के लिए पति मिल जाएगा, इस प्रजा के लिए राजा मिल जाएगा। आज सज्जनों वो कन्या उस दूध को पीने के लिए निश्चय कर लेती है। इधर संत अरुणदास कहने लगे बेटी नीचे आओ दूध पियो तुम्हारा भाई जीवित होगा। आज वो कन्या महल से रोती रोती नीचे उतरने लगी है और बंधुओं आकर अपने माँ बाप के गले से लिपट जाती है और रोती रोती अपनी मैया और बाप से बहनों से कैसे जाने की अनुमति मांगती है। क्या कहने लगी है? कैसे कहती है मेरे भैया? हरे ले ले हले की बहना रोवे ओ ले ले हले की बहना रोवे उठा लाश कुरे गोद में राम राम लीजो मेरी मैया मैं चाली पर लोक में अरी राम राम लीजो मेरी मैया मैं चाली पर लोक में बालापन से पाड़ी देने बारो लाड लड़ायो रे अरे छोड़ तो ये चली जाऊं मेरी मैया ते में अखीरी आयो रे छोड़ तो ये चली जाऊं मेरी मैया ते में अखीरी आयो रे। सज्जनों अपने भाई की लाश को गोद में ले लेती है और सज्जनों आज
आंगन में बैठ जाती है, उस दूध के कटोरे को सामने रख लेती है और सज्जनों अपने भाई के सामने लाश को गोद में लेकर बैठ गई और कैसे उस दूध को कटोरे को पीने लगी है। क्या कहने लगी है, क्या कहती है मेरे भैया, अरे सुन ले रे सुन वाला रे भाई बन छाती के लागायो ये सुन ले सुन ले रे सुन बाला भाई बान छाती के लगायो रे और छाती के लगायो भेण ने बारो रोदन मचायो रे। अरे लियो कटोरा उठा भेण ने आछो परण ने वायो रे और बा गट गट पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म गवायो रे। देख रहे सब हाल गुरुजी मंद मंद मुस्कायो रे, ये ऐसी होवे भेण भाई के ऊपर जन्म गवायो रे। सज्जनो जैसे ही उस बहन ने उस दूध को पिया तो संत रणदास की माया से हुआ क्या है, क्या होता मेरे भैया, अब याद के दुनियादार रची का या रचना भगवान कैसे बाकी पियो बेण ने दूध का मार को बेले को जीवन दान जैसे ही उस बहन ने उस दूध को पिया, बहन की उम्र संत रणदास की माया से भाई को लगती है, भाई तुरंत खड़े हो गए। सज्जनों सारे घर वाले देखकर चकित रह गए, सारे नगरवासी चकित रह गए, आज ये हुआ क्या। लेकिन सज्जनों सारे घर वाले खुश भी हो गए। इधर संत रणदास सोचने लगे वारे स्वार्थी संसार, फिर स्वार्थ की बात आती है, अरे जिस दिन बेटी जब घर में कोई के घर में बेटी पैदा होती है तो लोगों के मातम छा जाता है और जब घर में कोई बेटा पैदा होता है तो खुशी से थाली बजाते हैं। आज सज्जनों संत रणदास धिक्कारने लगे दुनिया को और कहने लगे बारे दुनिया स्वार्थी संसार तेरा खेल ही निराला है। इधर सज्जनों जैसे ही एक नंदन खड़े हुए देखा कि बहन की लाश आंगन में पड़ी हुई है, चारों तरफ नगरवासी खड़े हुए हैं। आज संत रणदास भी महल में आ गए तो सज्जनों जाकर मैया से पूछा बहन क्यों मरी, बाप से पूछा, बहनों से पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज सज्जनों संत रणदास एक नंदन को अपने पास बुलाते हैं, कहने लगे बेटे अब से 15 साल पहले तेरे बाप के कोई पुत्र नहीं था, मैंने तुझे वरदान में दिया और आज तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, तुम खत्म हो गए, तुम्हारे घर वालों की जिद के सामने मैं हार गया, मैंने अपने भक्ति के बल से दूध के कटोरे का मंथन किया और इसको वरदान दिया कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो सदा के लिए दुनिया से चला जाएगा और जाने वाले की उम्र तुम्हें लगेगी, तुम तुरंत जीवित हो जाओगे, वो दूध किसी ने नहीं तेरी बहन ने ही पिया है। ऐसी बात को सुनकर एक नंदन धरती पर गिर जाते हैं और कहने लगे बाबा या तो मेरी बहन को जिंदा कीजिए वरना मैं इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा। बंधुओं आज संत रणदास मना कर देते हैं, कहने लगे बेटे मेरे पास में ये कोई बंगाले की विद्या नहीं है, अब मेरे पे हुआ इतना मैंने कर दिया विसागम ओपे भी फाल्गुन। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों आज
संत अरुणदास, संत अरुणदास की ऐसी बात को सुनकर एक नंदन अपनी बहन की लाश को भागकर गोद में लेते हैं और छाती से लगाते हैं और अपनी बहन के लिए रोने लगे, बिलखने लगे और बाबा से कहने लगे, बाबा या तो मेरी बहन को जिंदा कीजिए वरना मैं भी इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा। आज एक नंदन कैसे रोधन करने लगे, क्या होता है, क्या होता मेरे भैया? हरे बेदाता अजब लिखी तकदीर, ओले गोदी में लाश बिलख रहे जामण जायो पीरे, से लूट गयो करतार और भारो रोवे कमर नहीं मेरा जीवा में सारे, सबर कैसे आवेगी मोकू हो मोए कई बिलख तो छोड़ देखवा खाऊं तो याद तू आवेगी जेना जब आएगी भैया दोज तिलक मेरे कौन करे बेटा, अरे बहन बिन कौन पामनी आए और राखी कुण बांधे गो मेरो सुनो सामने जाए, याद करे कर रोवे भारी और कैसे सबर करूं मेरी बहना प्राणन से प्यारी, कमर को सब घर का समझाए और नहीं माने कोई की खेण महल में इतवित तक करे हाय, पर चलो महल पे आयो और बाकूद महल से गयो पीर ने आचो परण निभायो, रची काया रचना भगवान और बेना की कर कर याद भाई ने दे दिए अपने प्राण, तो भाई मर गए भाई बहन मुनि अब सोच करे ठाडो कैसे, सब घर के डकराए मात मक भरे आयो ठाडो संत अरुणदास खड़े 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 मन में विचार करने लगे, अरे भगवान आज तूने मेरे साथ में ये क्या किया है। लेकिन सज्जनों आज मन में सोचने लगे, इस भाई बहन के प्यार को तो मैं इस दुनिया में अमर करके जाऊंगा लेकिन एक राजा की कठिन परीक्षा भी लूंगा, अगर राजा परीक्षा में पास हुआ तो आज राजा का भी उद्धार निश्चित करूंगा। सज्जनों आज ये संत सुजान होते हैं, दयावान होते हैं, राजा की परीक्षा लेने लगे। इधर सज्जनों महल से खड़े होकर संत अरुणदास जाने लगे तो संत अरुणदास के चरणों में राजा मुकंद गिर जाते हैं, कहने लगे, बाबा आज मेरी डूबती हुई नैया को आज कैसे भी किनारे पर लगा के जाओ। संत कहने लगे, राजन आपको आपकी नैया की पड़ रही है, हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पकवान बनवाए जाए। सज्जनों आज राजा खड़े खड़े सोच विचार में पड़ गया, मेरे आंगन में दो दो लाश पड़ी हुई है और बाबा खाना खाने की कह रहे हैं। लेकिन सज्जनों संत अरुणदास से मना कर देते हैं तो संत अरुणदास दोबारा खड़े होकर जाने लगे तो कहने लगे, बाबा अरे गुरुवर मेरा सब कुछ गया लेकिन आज मेरा अतिथि धर्म नष्ट मत करके जाओ, मैं आपके लिए भोजन भी बनवाता हूँ। तो सज्जनों आज राजा के राजा और संत के लिए भोजन बनवाता है, आगे क्या होता है मेरे भैया, क्या होता है मेरे भैया? अरे नगर में सन्नाटो सो छायो, मुनीबा राजा से बतलायो, अरे भूप तू बात हमारी मान, मोए लगे गजब की भूखे के खावा बना ले ओ पके बाने। हो राजा सोच करे बड़ो भारी, या बाबा ने तो परले फाड़ी, या कु कतई शर्म नहीं आई, मेरा आंगन में दो लाश पड़ी, या कु क्यों भूखे लगाई, ले ले हिलकी रोवे रानी, मुनि की लीला अजब निराली, राजा ने भोजन बनवाए और एक कांसो दियो लगा महल में जब मुनवर बोले भाई, तो भाई बाबा बोले बेन महल से भूखो जाऊंगो कैसे, अरे तू पारे कहां से लगा भूपे जब भोजन पाऊंगो, सज्जनों
आज संत के लिए एक कांसा लगवाते हैं और संत को जैसे ही महलों में ऊपर लाते हैं एक कांसे को देखकर संत पीछे हट जाते हैं। कहने लगे राजन ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे, आप 12 कांसे लगवाओ। आज सज्जनों राजा रोने लग जाता है। अगर बाबा की बात नहीं मानू तो आज मेरा अतिथि धर्म नष्ट होता है। सज्जनों राजा रोते रोते 12 कांसे लगा देता है और 12 कांसे लगाकर एक एक घर वाले को आवाज दे देकर बुलाने लगे। होता क्या है मेरे भैया? क्या होता है मेरे भैया? अरे मुन्ने बारे की मानी बात, भूप ने कांसे तुरंत लगाए, राजा रानी छह बहन भोटिया भोजन पे बे आए। थाड़ी तो ज्यादा लगवाई, भूप के कछु समझ नहीं आई। अरे मुनि ने हेला जब दे दियो और महलन में बोलियो कमर अचंबो जब राजा ने कियो। बेरियाए अब राजा के नैन और या कई रचना रची महल में खेले भाई। उतर महलन से आए हैं प्रेम से भोजन पाए हैं, होयो राजा को पूरो ज्ञान, पैर पकड़ चरणन में गिर गोजे हो संत सुजान। तो भाई कर सेवा दिन रात मोक्ष को रसता पावे गो। कैसे ये संतन को वरदान कभी नहीं खाली जावे गो। कर सेवा दिन रात मोक्ष को रास्ता पावेगो और ये संतन को वरदान कभी नहीं खाली जावेगो। आज सज्जनो ये थे सतयुग त्रेता द्वापर युग में संत। बाबा नाराज मत हो, थोड़ी सी बात करो। ये थे सतयुग त्रेता द्वापर युग में संत और अब इस कलयुग में आकर आप देखो संत ने। आपने कुछ दिन पहले टीवी के न्यूज चैनल पर अखबार की हेडलाइन में पढ़ा भी होगा, बाबा आसाराम बाबा राम रहीम। ये है अब कलयुग के संत। मेरे हिसाब से बताता हूं मैं इस कलयुग में संत किस प्रकार के होते हैं। वो कैसे कहवे पेट को और ठेट को और चपेट को। कोई चपेट मा जाए वा संत बन जाए, कोई पे केस को लड़ लग जाए तो वा दाढ़ी भंडार बाउर महात्मा हो जाए। और मेरा हिसाब से गले पेट वाले ऐसे हो रहे के साधु बन जावा ये लाको दी के ठोर कुमावा को। कैसे कैसे कैसे? अरे साधु बन जावा ये लाको दी के ठोर कुमावा को। हो दुनिया बाबा के घी माल मिले गो खावा को। साधु बन जावा ये लाको दी के ठोर कुमावा को। दुनिया बाबा के घी माल मिले गो खावा को। हनुमान जी महाराज की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो।